अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की दमदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहले सूर्य कुमार यादव और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त मिली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ टीम इंडिया की जीत पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा। रोहित ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया की शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन पहले ओवर की पाँचवीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से फजल हक फारूकी की गेंद पर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ एक शानदार चौका जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए फारूकी ने तो पाँचवीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच करवा कर पेवलियन भेज दिया और यहां पर पहला झटका टीम इंडिया को लगा। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत। तो दोस्तों, आते ही ऋषभ पंत ने फजल हक फारूकी के तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी पाँचवें ओवर की चौथी गेंद पर नवीन उलक की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ शॉट खेला और उनके बल्ले से इस वर्ल्ड कप का पहला छक्का देखने को मिला। विराट का ये कमाल का शॉट था। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद नबी की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। कमाल का शॉट ये था उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े नवीन उलक के हाथों में गेंद गई, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और कैच छूट गया और ऋषभ पंत को एक और चौका मिला। जबकि दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार कवर की तरफ एक चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही इस ओवर में उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की गेंद पर भी वो रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और टीम इंडिया को करारा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में, जिन्होंने 11 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी राशिद खान की गेंद पर अपना कैच मोहम्मद नबी को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। विराट इस मुकाबले में भी 24 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 24 ही रन बनाकर पेवलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नौवें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौके के साथ अपनी पारी का भी बेहतरीन आगाज किया, जहां पर उन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद दसवें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिवम दुबे ने। तो इसके बाद ग्यारहवें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया शानदार राशिद खान की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से स्लॉग स्वीप के जरिए एक और शानदार छक्का डीप बैकर स्कारलेग के ऊपर से देखने को मिला। ये तो कमाल का शॉट था। लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर राशिद खान ने शिवम दुबे को LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया। शिवम दुबे 7 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्टेप डाउन करते हुए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद सूर्या ने शानदार खेल दिखाया और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट लो फुल टॉस गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को तो चौके के लिए भेजा, साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह सूर्या का शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की आखिर
आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान के ओवर की गेंद को भी एक्स्ट्रा कवर के ओपर से चौके के लिए भेज दिया। राशिद का स्पेल यहां पर खत्म हुआ जहां पर उन्होंने 26 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने अद्भुत शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 16वें ओवर की 4वीं गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार चौका नूर अहमद की गेंद पर जड़ दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने इसकी अगली यानी कि 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ा और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपोजिट कर दिया। ये छक्का देखकर तो विराट भी हैरान थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 17वें ओवर की 4वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का फजल हक फारूकी की गेंद पर जड़ दिया और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट करते हुए उन्होंने शानदार अद्भुत छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर ही शानदार अर्धशतक ठोक डाला। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार वो गेंद सीधे मोहम्मद नबी के हाथों में थमा बैठे और सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों पर 53 रनों की शानदार पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की 4वीं गेंद पर नवीन उलक की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या जहाँ पर उन्होंने 98 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद हार्दिक एक और बड़ा शॉट यहाँ पर नवीन उलक की गेंद पर खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद सीधे अजमतुल्ला ओमरजाई के हाथों में गई और शानदार कैच यहाँ पर वो पकड़ने में कामयाब हुए। हार्दिक 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की 3री गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और शॉट थर्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे गुलबदीन नायब के हाथों में चली गई और फजल हक फारूकी ने पैवेलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा को जिन्होंने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी अक्षर पटेल की देखने को मिली जहां पर उन्होंने 3री गेंद पर शानदार चौका जड़ा एक यॉर्कर लाइन की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी शॉर्ट थर्ड की तरफ उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल रनआउट होकर पैवेलियन जरूर लौटे लेकिन टीम इंडिया के स्कोर को शानदार बल्लेबाजी के दम पर 181 रनों तक पहुंचा दिया 8 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ने 182 रनों का शानदार लक्ष्य रखा अफगानिस्तान की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजाई पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ गुरबाज ने बेहतरीन आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से फ्लैट शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए। रहमानुल्लाह गुरबाज 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज इब्राहिम जादरान क्रीज पर उतरे लेकिन उनको भी चलता किया 4थे ओवर की 4थी गेंद पर अक्षर पटेल ने। रोहित शर्मा ने एक शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में एक और सफलता टीम इंडिया के हाथ लग गई। हम बात करें इब्राहिम जादरान की तो वो 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने जहां पर वो सिर्फ एक चौका ही लगा पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने हजरतुल्लाह जजाई को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को 5वें ओवर में ही 3री सफलता दिला दी। यहाँ पर हजरतुल्लाह जजाई 4 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और 23 रनों पर ही 3 विकेट गंवा चुकी थी अफगानिस्तान की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की गेंद पर 6ठे ओवर की आखिरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गुलबदीन नायब ने। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर में भी एक शानदार चौका अजमतुल्लाह के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक शानदार चौका 9वें ओवर की पहली गेंद पर गुलबदीन ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर चौकी यहाँ पर रविंद्र जडेजा की गेंद थी और इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए अजमतुल्लाह ओमरजाई जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया और 10 ओवर में 63 रनों तक पहुंच गई अफगानिस्तान की टीम।
इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने गुलबदीन नाइब को भी पेवलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर। गुलबदीन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 17 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी अजमतुल्ला ओमर जाही को पेवलियन भेज दिया। यहाँ पर अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। अजमतुल्ला ओमर जाही 20 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद नजीबुल्ला जादरान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जहां पर उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद उन्हीं के बल्ले से 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी और यहाँ पर पेवलियन भेज दिया उन्होंने नजीबुल्ला जादरान को भी। और यहाँ पर शानदार तरीके से कैच पकड़ा अर्शदीप सिंह ने और चलते बने इस मुकाबले में नजीबुल्ला जादरान, जो कि एक बार फिर 17 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद मोहम्मद नबी भी 14 रन बनाकर पेवलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों राशिद खान और नूर ने टीम को आगे लेकर जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन टीम जीत से काफ़ी दूर रह गई और भारतीय टीम ने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।